हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल इज ट्विन माय नेम आदिशा चंदेल और आज हम कवर करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ साइकोलॉजी का चैप्टर नंबर इज योर वेरिएशंस वेरिएशन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट के मोस्ट तो इंपॉर्टेंट वीडियो अगर आप देख लेंगे इसके अलावा आपको कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन की वीडियो देखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे हम सारे क्वेश्चन कवर करेंगे जो लास्ट टेन ईयर्स से आपके आए हुए हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में इसके साथ साथ उनके वेरिएशन क्या हो सकते हैं नॉट जस्ट साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट के वेरिए Also, आपके क्वेश्चन के वेरिएशन को हम कवर करेंगे यहाँ पे एंड उसके साथ साथ ही आपके आंसर्स में मेन मेन कौन कौन से पॉइंट्स आपको मेकश्योर sure करना है कि आप डालेंगे वो भी हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं तो वो भी आपको मिल जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उनको चेक कर सकते हैं वो आपको बहुत ज्यादा सप्लीमेंट करेंगे आपके इस चैप्टर के नॉलेज को यहाँ पे हम लोग सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे नाउ लेटस गेट स्टार्टेड वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको आ सकता है इज वॉट इज असेसमेंट एक्सप्लेन एनी फोर ऑफ़ साइकोलॉजिकल असेसमेंट या फिर आपको पूछ सकते हैं वॉट इज द मीनिंग ऑफ असेसमेंट डिस्क्राइब द की फीचर्स ऑफ एनी टू मेथड यूज फॉर साइकोलॉजिकल असेसमेंट तो अगर आपका जो भी टाइप का क्वेश्चन आता है अबाउट असेसमेंट सबसे पहले आप मेंशन करेंगे कि असेसमेंट जो होता है इट इज द फर्स्ट स्टेप इन अंडरस्टैंडिंग अ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट ठीक है चाहे आपका जो क्वेश्चन है वो आपको डायरेक्टली नहीं पूछ रहा इज असेसमेंट बट वी हैव टू स्टार्ट बाय मेंशनिंग उसकी डेफिनेशन ठीक है अगर डायरेक्टली भी ना पूछा जाए तब भी आप डेफिनेशन इसकी जरूर मेंशन करेंगे सबसे पहले लिखेंगे ये फर्स्ट स्टेप होता है कोई भी साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट को समझने के लिए फिर लिखेंगे इसकी डेफिनेशन जो एनसीईआरटी में गिवन है एज द मेजरमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट ऑफ इंडिविजुअल ऑन देयर इवेल्युएशन तो so, ये वाली जो डेफिनेशन ये लिख देंगे इसके बाद हम केंगे देर आर टू ब्रॉड कैटेगरीज जिसमें हम डिवाइड करते हैं असेसमेंट को सबसे पहले फॉर्मल असेसमेंट जो ऑब्जेक्टिव स्टैंडाइज ऑर्गेइज होता है आप एक्साम्पल दे सकते हैं कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ये वाला मेथड यूज करते हैं एंड सेकेंड आप बोल देंगे इनफॉर्मल अट होता है इनफॉर्मल असेसमेंट बेसिकली वेरी करता है केस से केस में और असेसर टू असेसर ये वेरी करता रहता है बिकॉज इट इज ओपन टू सब्जेक्टिटर तो ये वर्ड जरूर लिख देना की फॉर्मल ऑब्जेक्टिव है स्टैंडर्डाइज है सिस्टमैटिक है एंड आपका इनफॉर्मल सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन के लिए ओपन होता है उसी के साथ साथ साइकोलॉजिकल असेसमेंट की भी डेफिनेशन है असेसमेंट की भी डेफिनेशन दे रखी है साइकोलॉजिकल असेसमेंट की भी दे रखी है तो जो भी क्वेश्चन आएगा आप ये दोनों डेफिनेशन लिखेंगे साइकोलॉजिकल असेसमेंट की डेफिनेशन क्या है सिस्टमैटिक टेस्टिंग प्रोसीजर्स का यूज करना इन ऑर्डर टू इवेल्युएट एबिलिटीज बिहेवियर और पर्सनल क्वालिटीज ऑफ इंडिविजुअल ठीक है तो यहाँ पे क्या क्या ए फॉर एबिलिटीज बी से बिहेवियर एंड पी क्यू मतलब पर्सनल क्वालिटीज इन तीन चीजों को सिस्टमैटिक टेस्टिंग प्रोसीजर सेवैल्यूएट करता हूँ अब आपके डिफरेंट मेथड होते हैं साइकोलॉजिकल असेसमेंट के ठीक है साइकोलॉजिकल असेसमेंट के कौन कौन से मेथड है सबसे पहले साइकोलॉजिकल टेस्ट कंफ्यूज नहीं होना ठीक है साइकोलॉजिकल असेसमेंट ब्रॉडर कैटेगरी है उसके विद इन एक मेथड है साइकोलॉजिकल टेस्ट साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या होता है ये ऑब्जेक्टिव होता है स्टैंडर्डाइज मेजर होता है किसी भी इंडिविजुअल का मेंटल और बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स ठीक है आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या देखते हैं आपके मेंटल एंड बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं और ये पे यूज़ होता है सबसे पहले ऑब्वियसली एंड ये प्लेसमेंट्स uh, में भी काफी यूज करते हैं प्लेसमेंट यानी जॉब प्लेसमेंट्स वगैरह में एंड ट्रेनिंग वगैरह में भी इसका यूज किया जाता है सेकंड इज इंटरव्यू मेथड इंटरव्यू मेथड इज समथिंग में हम लोग बहुत फेमिलियर होंगे इससे इट इन्वॉल्व सीकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ पर्सन ऑन One -on -one basis. One -to -one basis पे जब हम इन्फॉर्मेशन लेते हैं ठीक है वो इंटरव्यू क्या जाता है आप एग्जाम्पल दे सकते हैं जर्नलिस्टिक इंटरव्यूज होता है केस स्टडी जब लिखेंगे तो हम मैं यहाँ पे की केस स्टडी इन डेप्थ स्टडी होती है ठीक है इन डेप्थ स्टडी मैं करना जरूरी हो जाता है किसी भी इंसान के इन टर्म्स ऑफ देर साइकोलॉजिकल एट्रीड्यूट आपका साइकोलॉजिकल हिस्ट्री क्या है और आपका साइको सोशल और फिजिकल एनवायरनमेंट साइको सोशल एनवायरनमेंट आपके सोशल एनवायरनमेंट की बात हो जाती है फैमिली फ्रेंड्स यू नो अक्वेंटेंसेज आपके नेबर्स एंड फिजिकल एनवायरनमेंट हो जाता है एग्जैक्टली लाइक फिजिकल कहाँ पे रहते हो सिटी क्या है गर्मी कितनी है पॉल्यूशन है मिली लेवल वगैरह नेक्स्ट आ जाता है आपका ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन क्या होता है ऑब्जर्वेशन में सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज तरीके से और ऑब्जेक्टिव प्रोसीजर्स का यूज करके जो बिहेवियर फिन अकर रियल टाइम में मतलब अभी जो अकर उसे रिकॉर्ड करना एंड फाइनली आप मेंशन कर देंगे सेल्फ रिपोर्ट सेल्फ रिपोर्ट क्या होता है अगेन प्रोवाइडिंग फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन अबाउट हिमसेल्फ और हरसेल इंसान ही दे देता है सो so, यहाँ पे आपके फाइव आपके साइकोलॉजिकल असेसमेंट मेथड आ सकते हैं ये चार मार्क का क्वेश्चन आएगा अगर आपका चार मार्क का क्वेश्चन आता है तो आप इन सारे को एक एक लाइन में एक्सप्लेन कर सकते हैं अलॉन्ग विद एक्सप्लेनिंग फॉर्मल इनफॉर्मल एंड की डेफिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ सकता है एक्सप्लेन द साइकोमेट्रिक अप्रोच टू अंडरस्टैंडिंग इंटेलिजेंस एंड स्टेट एनी टू थ्योरीज बेस्ड ऑन दिस अप्रोच ठीक है या तो आपको सीधा सीधा ये भी पूछ सकते हैं कि साइकोमेट्रिक अप्रोच बताओ अब अगर यहाँ पे टू थ्योरीज करके आ रहा है तो ये सिक्स मार्क्स में भी आ सकता है फोर मार्क्स में भी आ सकता है वो आप पे डिपेंडेंट है कि आप कितना लिखेंगे ठीक है अगर ऑब्वियसली फोर मार्क्स में आ रहा है तो हर थ्योरी के बारे में आप एक दो लाइन में लिख देंगे छोटा छोटा करके पर अगर यही सिक्स मार्क्स में आ रहा है तो आपको थोड़ा और इनडेप्थ जाना पड़ेगा तो लेट इस स्टार्ट विद दिस सबसे पहले हम लिखेंगे साइकोमेट्रिक जो अप्रोच होता है हम लोग उसको इंट्रोड्यूस कराएंगे हम कहेंगे साइकोलॉजिस्ट जो होता है उनके पास सेवरल थ्योरीज होती है तो वो इंटेलिजेंस को डिफाइन कर रहे होते हैं फिर हम लिखेंगे ये जो थ्योरीज होती हैं ये दो टाइप की होती है साइकोमेट्रिक साइकोमेट्रिक का मतलब होता है स्ट्रक्चरल अप्रोच लेना कि इंटेलिजेंस का स्ट्रक्चर को समझना और एक होता है आपका इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच यहाँ पे हम साइकोमेट्रिक अप्रोच की बात करेंगे फिर आप कहोगे कि बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट होते हैं जिन्होंने साइकोमेट्रिक अप्रोच में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन किया है एंड देन हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे अब इसके अलावा ये जो क्वेश्चन है इसको आपको एक एक जो अप्रोच है उसके बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है दो तीन मार्क का ठीक है कि अपना ये जो अप्रोच है यूनिफैक्टर थ्योरी उसके बारे में थोड़ा सा लिख के बताइए तो वहां पे आपको कैसे आंसर लिखना है वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं सबसे पहले आपका यूनिफैक्टर थ्योरी हमेशा हमेशा आप मेंशन करेंगे कौन से थ्योरिस्ट ने दिया है तो यहाँ पे एल्फ्रेड बाइने ने ये वाली थ्योरी दी है इसके साथ हम लोग थोड़ा सा बैकग्राउंड दे, दे देंगे इस थ्योरी से पहले कौन सी थ्योरीज थी हमें पता है इससे पहले फिलोसफिकली पढ़ा गया था ठीक है फिलोसफिकली पढ़ा गया था वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने इसको प्रॉपरली एक साइंटिफिक तरीके से एम्पेरिकल स्टडीज से पढ़ा गया था इसको फिर हम बात करेंगे ये जो बाय की थ्योरी थी इंटेलिजेंस की इट वाज अ वेरी सिंपल थ्योरी बिकॉज ही वाज डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन मोर एंड लेस इंटेलिजेंट इंडिविजुअल्स ठीक है मोर इंटेलिजेंट लोगों को लेस इंटेलिजेंट लोगों से वो बस डिफरेंशिएट करते थे एंड उन्होंने यहाँ पे कहा इंटेलिजेंस इज अ सिंगल सेट ऑफ एबिलिटीज ये काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज यूनिफैक्ट थ्योरी एक सेट ऑफ एबिलिटीज के बारे में उन्होंने देखा उन्होंने इंटेलिजेंस को डिफरेंट पार्ट से नहीं देखा उन्होंने कहा एक ही सेट ऑफ एबिलिटीज है And that is why it is a पे कलेक्ट किया गया था उसको काफी लोगों ने यू नो क्वेश्चन यहाँ पे अरोज हुए थे कि ये डेटा ठीक से कलेक्ट नहीं किया गया था तो दिस इज वन क्रिटिसिज्म तरीके से नेक्स्ट आ जाते आपके स्पियर मैन का टू फैक्टर थ्योरी अगर इस पे क्वेश्चन आएगा सबसे पहले आप लिखेंगे कि ने पहले ऑलरेडी वन फैक्टर दे रखा था उसके बाद स्पीयरमैन ने 1927 ईयर याद रहेगा तो वेरी गुड 1927 में इन्होंने प्रपोज किया टू फैक्टर थ्योरी ठीक है जहां पे इन्होंने यूज किया फैक्टर एनालिसिस का ये इंपॉर्टेंट है ये भी जरूर इंपॉर्टेंटली लिखिएगा फैक्टर एनालिसिस क्या है ये स्टैटिस्टिकल मेथड है जिसके बेसिस पे इन्होंने ये थ्योरी दी थी यहाँ पे उन्होंने कहा कि दो टाइप के फैक्टर्स होते हैं एक होता है जनरल फैक्टर एक होता है स्पेसिफिक फैक्टर जनरल फैक्टर आप कह देंगे कि कॉमन होते टू ऑल परफॉर्मिंग

रिलेटिवली इंडिपेंडेंट मतलब ये एक दूसरे के बीच में ऑब्स्ट्रक्शन नहीं क्रिएट करती है अलग अलग होके काम करती है और ये प्राइमरी एबिलिटीज हैं इनका नाम जरूर याद कर लीजिएगा वर्बल कॉम्प्रीहेंशन है न्यूमेरिकल आपकी एबिलिटीज होती है स्पेशल रिलेशन मतलब पैटर्न को विजुअलाइज करना ठीक है पैटर्न फॉर्म वगैरह दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पायलट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्जन जो हम अभी आगे पढ़ेंगे परसेप्शुअल स्पीड की बात आ जाती है वर्ड फ्लुएंसी मेमोरी और इंडक्टिव रीजनिंग तो ये सब आप पढ़ सकते हैं एक एक लाइन में आगे ही उसमें ब्रैकेट में डेफिनेशन है ये अगर आपके पास टाइम हुआ तो आप जरूर लिख देना अगर टाइम नहीं है तो आपके ये जो अपने नाम भी लिखे दैट ऑल्सो वर्क बट होपफुली अगर आपके पास जरूर टाइम होगा तो प्लीज मेंशन कर देना एक एक लाइन में कि ये क्या कवर करता है नेक्स्ट इज आर्थर जेंसन का हायरार्कियल मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस तो उन्होंने हायरार्की में डिवाइड कर दिया इंटेलिजेंस को दो हायरार्की होती है लेवल वन लेवल वन होता है एसोसिएटिव लर्निंग इसमें कुछ नहीं लिखना इसमें कहना है आउटपुट इज मोर लेस सिमिलर टू द इनपुट ठीक है इनपुट आया और आउटपुट मोर और सेम निकल के आया लेवल so, कि, तो मैनिपुलेट उस किया उसको एंड देन वो ट्रांसफॉर्म करके एक अलग सा आउटपुट बन के आता है यहाँ पे आर्थिक में बस इतना लिखना है एंड फाइनली गिलफोर्ड का स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल अगेन दिस इज समथिंग जो आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा आपको रटना पड़ेगा यहाँ पे क्योंकि ये मोस्टली इसमें एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट नहीं है इसमें आपको यू uh, नो you know, समझना पड़ेगा कि कौन कौन से पे आते हैं तो उसके लिए सबसे पहले इधर ऑपरेशन की बात होती है ऑपरेशन का क्या मतलब होता है ऑपरेशन इज व्हाट द रिस्पोंडेंट डस तो ऐसे याद कर सकते हैं कि आई एम अ डॉक्टर तो मैं ऑपरेशन कर रही हूँ तो जो मैं कर रही हूँ दैट इज ऑपरेशन ऑपरेशन कौन कौन से टाइप की हैं ये या आपको याद करना पड़ेगा ठीक है कॉग्निशन हो गया जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका मेमरी रिकॉर्ड करना हो गया मेमरी रिकॉर्ड कर रहे हो मेमरी रिटेन कर रहे हो डाइवर्जेंट प्रोडक्शन हो रहा है कन्वर्जेंट प्रोडक्शन हो रहा है हो रहा है ये आपके ऑपरेशन के विदिन आ जाते हैं कंटेंट क्या होता है कंटेंट रेफर्स टू द नेचर ऑफ मटीरियल पे आप इंटेलेक्चुअल अपना जो ऑपरेशन है उसको परफॉर्म कर रहे हो ठीक है फॉर एग्जांपल ये जो मैं कर रही हूँ चीज जो ये ऑपरेशन कर रही हूँ ये किस पे कर रही हो नंबर्स पे कर रही हूँ वर्ड्स पे कर रही हूँ ठीक है लोगों के बिहेवियर पे कर रही हूँ वो आपका कंटेंट होता है तो विजुअल कंटेंट होता है ऑडिटरी कंटेंट होता है सिम्बॉलिक सिंबॉलिक में आपके लेटर्स आ जाते हैं नंबर्स आ जाते हैं सिमेंटिक जो बहुत सारे साथ मिलकर कुछ सेंस बनाते हैं तो सिमेंटिक हो जाते हैं तो वर्ड्स एंड बिहेवियर ठीक है ऐसे याद कर सकते हैं कि ऑपरेशन में सिक्स कैटेगरीज है यहाँ पे आपकी फाइव कैटेगरीज है ठीक है एंड हम लोग पे बात करेंगे in किस तरीके से मैं उसको कर रही हूं, वो आपके यूनिट्स हो गए क्लासेस हो गए रिलेशन हो गया सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन और इम्प्लीकेशन ठीक है ये एग्जैक्टली exactly इसी हायरार्की में मतलब यूनिट सबसे छोटा है फिर क्लास रिलेशन सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन इम्प्लीकेशन और ये आपके आ जाते हैं सिक्स तो सिक्स इंटू फाइव इंटू सिक्स आपका हो जाता है एंड 180. 180 हर सेल में एटलीस्ट वन फैक्टर प्रेजेंट है सो so ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है मोस्टली साइकोमेट्रिक टेस्ट से कम ही क्वेश्चन आए हैं मोस्टली आते भी नहीं है बट इट इज ऑलवेज अ गुड आइडिया टू बी प्रिपेयर क्योंकि जस्ट इन केस आ जाते हैं तो हमको याद रहना चाहिए कि हमें क्या लिखना है और कैसे लिखना होगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है एक्सप्लेन ब्रीफली द मल्टीपल इंटेलिजेंस आइडेंटिफाइड बाय गार्डनर या फिर आपको ऐसे घुमा फिरा के लिखेंगे कि कि हम अपने एनवायरनमेंट में देखते हैं वी सी बहुत सारे लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं इवन दो मतलब उनको मार्क्स काफी अच्छे आते हैं अपने स्कूल में क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंटेलिजेंस होते हैं तो यहाँ पे हम लोग बात करो कि हार्वर्ड गार्डनर जो है वो इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे फॉर एग्जाम्पल ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया तो अब यहाँ पे देखिए एक चीज कि इधर तो चलो मल्टीपल इंटेलिजेंस लिख रखा है पर चांसेस है कि आपको क्वेश्चन में ये क्लू ना दिया हो मल्टीपल इंटेलिजेंस आपसे सीधे पूछ ले कि गार्डनर व्यू इंटेलिजेंस तो आपको इम्पोर्टेंट है ये ध्यान रखना कि आपकी सारी जितनी थ्योरीज है आपको उसके साथ साथ आपके जो थ्योरिस्ट का नाम है वो भी याद रहे ठीक है तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए हावर्ड गार्डनर की थ्योरी की जो थी उसमें उन्होंने इंटेलिजेंस को कैसे व्यू किया तो आप कंफ्यूज ना हो तो प्लीज मेक श्योर कि आप उनका जो नाम है उसको याद करके जा रहे हैं सबसे पहले हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी जो है हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी इज द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस सो ऑब्वियसली हम एक्सप्लेन करेंगे कि इंटेलिजेंस जो है सिंगल एंटिटी नहीं होती मल्टीपल इंटेलिजेंस होती है डिफरेंट डिफरेंट टाइप की और ये सब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती है बट दे इंटरैक्ट ठीक है ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको लिखने ही लिखने हैं इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर बट दे इंटरैक्ट विद वन अनदर इसके साथ हम यहाँ पे लिखेंगे कि इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं एक होता है लिंग्विस्टिक ओके okay, सबसे पहले लिंग्विस्टिक के बारे में जब हम लिखेंगे हम एक लाइन में एक्सप्लेन करेंगे उसको ओके okay, अगर ये क्वेश्चन आता है आप पहले इंट्रोडक्शन दे देंगे जितना मैंने आपको बोला उसके बाद आप इसके डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में लिखेंगे जब फॉर्म्स के बारे में लिखेंगे एक लाइन में आप उसका एक्सप्लेनेशन देंगे उसके बाद आप लिखेंगे कि वो किस जॉब में किस प्रोफेशन में वो यूज किया जाता है

अगर टाइम कम हो तो कम से कम एक लाइन में हम एक्सप्लेन कर दे और एक थोड़ा सा लिख दे कि एग्जाम्पल इस इस प्रोफेशन में ये यूज किया जाता है तो लिंग्विस्टिक समझ में आ गया लॉजिकल मैथमेटिकल क्या होता है स्किल्स इन साइंटिफिक थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में काम आता है और ये सिंबल्स को मैनिपुलेट करते हैं फॉर एग्जाम्पल नोबेल प्राइज विनर्स हो गए मैथमेटिशियंस हो गए कोई भी आप एक्जाम्पल दे सकते हैं इसमें

Bodyly kinesthetic जब लिखोगे तो और एंड देन कर सकते हो कि सर्जन होते हैं डांसर्स होते हैं एथलीट्स होते हैं उसमें ये देखने को मिलता है इंटरपर्सनल की अगर बात करें तो इंटरपर्सनल में हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे सेंसिटिविटी होती है टू सटल एस्पेक्ट ऑफ अदर बिहेवियर, बाकी लोगों के बिहेवियर के उसमें हम लोगों को सेंसिटिविटी देखने को मिलती है तो ये कौन होते हैं साइकोलॉजिस्ट ऑब्वियसली है ना एंड काउंसलर्स का आप एग्जाम्पल दे सकते हो इंट्रा क्या होता है अपने ओन फीलिंग्स के बारे में अवेयर होना फीलिंग्स डिजायर एंड मोटिवेशन

तो ये बेसिकली इंटेलिजेंस को देखता कैसे हम लिखेंगे कि रॉबर्ट स्टर्नबर्ग हैं उन्होंने ये थ्योरी दी है और उनके अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस क्या है इंटेलिजेंस ये अबिलिटी है टू टू शेप एंड टू सिलेक्ट वन एनवायरमेंट तीन चीजें अडप्ट करना शेप करना और सिलेक्ट करना हमारे इन्वायरमेंट को इन ऑर्डर टू हमारे पर्सनल गोल्स को अचीव करना और सोसाइटी के गोल्स को अचीव करना बाय ठीक है तो ये डेफिनेशन है उनकी इंटेलिजेंस की थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हो बट मोर और लेस याद रखना कि ये तीन चीजें हैं फॉर दिस पर्पज उसके बाद आप लिखेंगे इंटेलिजेंस की कौन कौन से तीन ड्रॉट कैटेगरीज में डिफाइन किया सबसे पहले कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस आ जाता है

और or करते हैं उस को करना उसके इन ये तीन पार्ट आ जाते हैं एक्सपीरियंशियल क्या होता है क्रिएटिव इंटेलिजेंस जो हमारे एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड है तभी एक्सपीरियंशियल हम कह रहे हैं इसको एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड है पास्ट एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड होता है एंड फाइनली कंटेक्सुअल इंटेलिजेंस इज बेसिकली योर प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस जिसको हम स्ट्रीट स्मार्टनेस कहते हैं बिजनेस स्मार्टनेस कहते हैं ठीक है ठीके? और ये लोग अपने एनवायरमेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं अपने अपने नीड के अकॉर्डिंग तो अब ये जो आंसर है इसमें अगर आपको टाइम मिले तो प्रेफरेबली एक ना फ्लो चार्ट बना लेना जैसे आपकी एनसीआरटी में भी फ्लो चार्ट गिवेन है वैसा फ्लो चार्ट उसमें डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है बट कम से कम हेडिंग जिससे यू you नो know, अगर आपको टाइम ना मिले ज्यादा ज्यादा लिखने का देन एटलीस्ट द एग्जामिनर शुड बी क्लियर कि आपको पता था ये आंसर कैसे लिखना है तो इसमें हम गए लिखेंगे इसके अलावा अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए होंगे तो प्लीज जो चेक द डिस्क्रिप्शन आपको वहां पे नोट्स मिल जाएंगे उन नोट्स को हमने काफी इंटरेक्टिव तरीके से बनाया हुआ है आपको फ्लो चार्ट के थ्रू समझाया जाएगा तो आपको जो अंडरस्टैंडिंग uh, है वो बढ़ जाएगी मैंने खुद ये सारे नोट्स यूज करे थे जब मैं अपना बोर्ड एग्जाम दे रही थी जब मैं अपना सी का प्रिपरेशन कर रही थी एंड आई कैन डेफिनेटली अटेस्ट कि इट डज हेल्प अ लॉट इसके अलावा साइकोलॉजी की हम लोगों ने वीडियोस भी पहले बना रखी, जरूर देख सकते हैं इससे अगर आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से करने से पहले आपको एक फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से डेवलप करनी है तो वो वीडियो में आपको इन डेप्थ में हर चीज समझा रही नेक्स्ट चीज जिसकी हम बात कर रहे हैं इस जेपी दास इज मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस इन्वॉल्व द इंटरडिपेंडेंट फंक्शनिंग ऑफ थ्री न्यूरोलॉजिकल डिस्कस ठीक है एंड यहाँ पे भी सेम लिखा हुआ है कि एनी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी द इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग ऑफ थ्री न्यूरोलॉजिकल सिस्टम एक्सप्लेन विद द रेफरेंस टू पास मॉडल तो अब अगर ये क्वेश्चन आएगा ठीक है न्यूरोलॉजिकल सिस्टम्स uh, के बारे में तू कंफ्यूज मत होना न्यूरोलॉजिकल सिस्टम जो है सिर्फ एक थ्योरी में दिया गया है एंड दैट इज द पास मॉडल वाली थ्योरी तो यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा आपको थ्योरिस्ट से भी पूछा जा सकता है उसके पर्टिकुलर फीचर से भी पूछा जा सकता है अब ट्रायर्किक एंड मल्टीपल इंटेलिजेंसेज में तो ऑब्वियसली मतलब नाम से ही आप समझ जाते हो कि अच्छा यही थ्योरी होगी इधर कंफ्यूज मत होना न्यूरोलॉजिकल जो है सिस्टम वो आपका पास मॉडल ही है तो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम में आपके यहाँ पे तीन साइकोलॉजिस्ट uh, थे सबसे पहले जेपी दास उसके बाद जैक निक्लियरी एंड कर्वी, एंड ये 1994 में नाइनटी फोर ये मॉडल को सजेस्ट किया था डेवलप किया था इसके अकॉर्डिंग तीन न्यूरोलॉजिकल सिस्टम होते हैं जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं एंड इनको फंक्शनल यूनिट बुलाया जाता है हमारे ब्रेन का और ये कौन है तीन आप इनको मेंशन कर देंगे थोड़े थोड़े वर्ड्स में सबसे पहले अराउजल एंड अटेंशन अटेंशन हमें पता है कि बाकी स्टिम्यूलाय को हटा के एक ही स्टिम्युलाय पे फोकस करना वो डेफिनेशन डाल देंगे एंड अराउजल आपका यहाँ पे बेसिकली इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अटेंडिंग टू एनी स्टिम्यूलाय कोई भी चीज को प्रोसेस करने के लिए किसी भी चीज को uh, मतलब अंडरस्टैंड करने के लिए किसी चीज पे फोकस करने के लिए आपका अराउज होना काफी जरूरी हो जाता है क्स्ट थिंग इज योर साइमलटेनियस एंड सक्सेसफुल प्रोसेसिंग साइमिलटेनियस प्रोसेसिंग क्या होता है वेन यू आर इंटीग्रेटिंग नॉलेज एक करके एक ठीक है एक के बाद एक करके जब आप कर रहे हो तो वो आपका साइमल्टेनियस हो जाता है एंड सक्सेसिव होते हैं कि एक ही टाइम पे मल्टीपल चीजों को आप साथ में लेके चल रहे हो तो वो आप यहाँ पे डेफिनेशन लिख देंगे और सक्सेसिव की एंड प्लानिंग क्या होता है कि एक बार आपने इन्फॉर्मेशन को अटेंड कर लिया प्रोसेस कर लिया तो आप प्लान करते हो यानी कि पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन को सोचो इम्प्लीमेंट करो कि कैसे इम्प्लीमेंट करे उसको अपना टारगेट को रीच करने के लिए एंड एंड इम्पोर्टेंटली इवेल्युएट करो उसकी इफेक्टिवनेस को ये नहीं की एक बार इम्प्लीमेंट कर दिया एक बार हमने कर लिया तो वो हो गया नहीं उसको इफेक्टिवनेस को एक बार हमें करना भी जरूरी हो जाता है so, सो टाइम मिले तो जो जो है, जो है आपका, आप उसके बारे में भी लिख सकते हैं बट अगेन वो टाइम के ऊपर फोकस रहेगा आपका ठीक है अगर टाइम नहीं है तो बस आप इस चीज को एक्सप्लेन कर देंगे वर्ना अगर टाइम है नेक्स्ट जो हमारी चीज है इज टू वट एक्सटेंट इज आर इंटेलिजेंस द रिजल्ट ऑफ हेरिडिटी

Nurture से मतलब हमारा एनवायरमेंट पे फोकस आ जाता है तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो सेम ही आंसर जाएगा एंड ये आंसर में आप क्या लिखेंगे इस आंसर में आप बेसिकली मेंशन कर लेंगे आपके ट्विंस जो स्टडीज हुई है एंड जो अडॉप्टेड चिल्ड्रन वाली स्टडी हुई है आप सबसे पहले हम लिखेंगे कि इंटेलिजेंस जो है वो दोनों चीजों का प्रोडक्ट है हम इन दोनों में से किसी को सेपरेट नहीं कर सकते एक दूसरे से दोनों कोलेबरेट करके इंटेलिजेंस बनाता है एंड टू बेटर अंडरस्टैंड इंटेलिजेंस इस एस्पेक्ट में हमने स्टडीज कंडक्ट करा है ऑन ट्विंस एंड ट्विन चिल्ड्रेन ठीक है एंड देन हम ये देख सकते हैं कि आप बताइएगा जो ट्विन होते हैं क्यों हमने चूज किया क्योंकि तो जेनेटिकली सेम होते हैं उनका को रिलेशन ज्यादा होता है जैसे यहाँ पे उन्होंने लिख रखा है द इंटेलिजेंस ऑफ आइडेंटिकल ट्विन रेड टूगेदर को रिलेट ऑलमोस्ट जीरो पॉइंट नाइन जीरो ठीक है एंड ट्विन जो सेपरेटेडली जो होते हैं उनका कोरिलेशन कम होता है देन जो साथ में ग्रो करे होते हैं उसके बारे में आप लिखेंगे अब ये जो फिगर्स है जीरो पॉइंट सेवन टू फ्रिटर्नल ट्विंस का जीरो पॉइंट सिक्स जीरो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जीरो पॉइंट फाइव जीरो सिबलिंग्स का जीरो पॉइंट टू फाइव ये आप फिगर्स याद कर सकते हैं आई वुड वुकमेंड अगर आपको याद हो जाए तो वेल एंड गुड वरना आप अगर ना भी याद रखें तो पैटर्न याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा आपके ट्विंस में देखने को मिलता है जो रेड टूगेदर होते हैं एंड ट्विंस हुआ रेड अपार्ट उनका इज स्टिल मोर देन सिबलिंग्स तो क्योंकि सिबलिंगस का जेनेटिक मेकअप डिफरेंट होता है इवन दो मोर और लेस ओवरलैप करता है बट इन टू रेड उनका स्टिल काफी कम होता है इसका मतलब है है नेचर का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जरूर होता है। इसके अलावा काफी ऐसी स्टडीज भी हैं यहाँ पे जैसे कि इंटेलिजेंस लेवल जो बच्चों का होता है जब वो अडॉप्टिव पेरेंट्स के पास जाते हैं तो उनके तरह ज्यादा बनने लग जाता है ठीक है तो अडॉप्टिव पेरेंट की तरह बनने लग जाता है तो मतलब यहाँ पे हम लोग दिखा रहे हैं नर्चर वाला एस्पेक्ट एनवायरमेंट का इसके साथ साथ यहाँ पे डिसएडवांटेज होम वाला एग्जाम्पल भी दे सकते हैं कि जो बच्चे होते हैं जो डिसएडवांटेज से एडवांटेज पोजीशन में जाते हैं उनका भी इंटेलिजेंस में थोड़ा एनहांसमेंट देखने को मिलता है तो ये भी दिखाते हैं कि लोअर डिप्रेवेशन में भी आपका इंटेलिजेंस मतलब कम हो जाता है अगर आपको डिप्राइव किया जाए तो इंटेलिजेंस स्कोर भी आपका कम रहता है एंड दैट इज वाई वी कैन से आपका कंसेंसस है कि नेचर भी इंपॉर्टेंट है नर्चर भी इंपॉर्टेंट है खत्म ठीक है इसके चांसेस आने के थोड़े बहुत कम है एक एक दो बार आपके आ चुके हैं बट वी विल स्टिल रिवाइज दिस नेक्स्ट इज योर हाउ डज द अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल डिफिशियंसी व्यू इंटेलेक्चुअल डिफिशियंसी और

बट तब भी वी विल यू नो स्टे प्रिपेयर बिकॉज ये दो बार रिपीट हो रहा है दो पर्टिकुलर चैप्टर्स में सबसे पहले तो ये क्वेश्चन जो है ये आपके सिक्स मार्क्स में आने की प्रॉबिबिलिटी ज्यादा है बिकॉज इसमें कंटेंट काफी ज्यादा है सबसे पहले हम मेंशन करेंगे कि अमेरिकन एसोसिएशन जो है मेंटल डिफिशियंसी में उसका डेफिनेशन क्या है उसका डेफिनेशन उन्होंने इंटेलेक्चुअल जो डेफिशिय का डेफिनेशन है उन्होंने दिया है सिग्निफिकेंटली सब एवरेज जनरल इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग Existing concurrently with deficits in adaptive behavior and manifested during developmental period. तो डिवाइड कर रखा है एक तो इंटेलेक्चुअली डिसबल जो होते हैं उनका डेफिनेशन दे रखा है सिग्निफिकेंटली सब एवरेज फंक्शनिंग का क्या मतलब होता है इन्होंने डेफिसिट इन अडेप्टिवि का क्या मतलब होता है की जो अडेप्टिवि होता है इंसान का कि वो अपने लाइफ में हर चीज अपने आप कर सके अपने एनवायरनमेंट से डील कर सके उसमें कमी होने का एक्सप्लेनेशन देना जरूरी है एंड तीसरा आपको एक्सप्लेनेशन देना जरूरी है कि ये डेवलपमेंटल पीरियड में आता है आता है। है, है। है? मतलब 0 to 18 के एज में ये manifest करता है, ये arise होता है. तो ये करता होता तो तो एक definition आप लिखेंगे पहले, पहले ठीक और फिर उसके बाद उस definition के parts उठेंगे. तो सबसे पहले हम लोगों ने इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग का सब एवरेज वाला एक्सप्लेनेशन दिया फिर हमने एक्सप्लेनेशन दिया कि डेफिसिट का क्या मतलब है, adaptive से, and finally हमने डेवलपमेंटल पीरियड का डेफिनेशन दे दिया ओके तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया इसके आगे आपके यहाँ पे डिफरेंट लेवल्स क्या होते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के ये भी आपको याद करना जरूरी है आई हमको पता है कि जो सेवेंटी एंड सेवेंटी के बिलो होता है वहां से इंटेलेक्चुअल आ जाती है बिकॉज इट्स नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कव बीच में हंड्रेड हंड्रेड एंड टेन इज दल वो बट यहाँ पे जो 70 के नीचे होता है वो इंटेलेक्चुअल डिफिशियंसी में आ जाता है तो सबसे पहले आप लिखेंगे माइल्ड 55 से 70 माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिफिशियंसी मॉडरेट थर्टी फाइव टू फोर्टी टू फिफ्टी फाइव severe is 20 to 25 to approximately 30 to 30 to 40

वो जब फंक्शन करने की बात आती है वो थोड़ा मतलब का फंक्शन कर सकते हैं थोड़ा बहुत मतलब हेल्प चाहिए होगा बट दे कैन डू सो इसके अलावा मॉडरेट में जो है दे कैन बी ट्रेनड इन सेल्फ केयर एंड सिंपल सोशल और कम्युनिकेशन स्किल्स सिखा सकते हैं उनको तो वो भी अपने आप को उनको एक बार ट्रेनिंग दे दे सो दे आर आल्सो एबल टू गो अहेड विद देयर लाइफ प्रोफाउंड एंड सीवियर की जहां तक बात है तो इंडिविजुअल जिनको प्रोफाउंड एंड सीवियर होता है दे आर इनकेपेबल ऑफ मैनेजिंग लाइफ एंड उनको कॉन्स्टेंट केयर की जरूरत होती है ठीक है तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप ये एक्सप्लेन करेंगे आप एक्सप्लेन करेंगे इसके डिफरेंट लेवल्स आप एक्सप्लेन करेंगे नॉर्मल प्रॉबेबिलिटी कर्व में यू you नो know, ये एकदम एंड के टू में आता है सेवेंटी के नीचे जितने भी होता है उसको हम वो कंसिडर करते हैं एंड देन एक एक करके डेफिनेशन आप दे, दे देंगे उसके बारे में नेक्स्ट इज एकदम इसका ऑपोजिट इंटेलेक्चुअल डिफिशियंसी हो गया तो अब हम बात करेंगे गिफ्टेडनेस के बारे में एंड हाउ आर यू नो हाउ कैन गिफ्टेड किड्स बी आइडेंटिफाइड और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में सो गिफ्टेड किड्स के अगर बारे में बात करें तो यहाँ पे आपके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आते हैं तो सबसे पहले आप उसको डेफिनेशन देंगे कि इंडिविजुअल जिनका हायर परफॉर्मेंस होता है बिकॉज ऑफ आउटस्टैंडिंग पोटेंशियलिटीज उनका पोटेंशियल बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग होता है लुइस टर्मिन की स्टडी की बात करेंगे पे उन्होंने पंद्रह बच्चों का आई देखा था जिनका अब वन हंड्रेड एंड थर्टी था उनको यू you नो know, उनकी लाइफ देखी एग्जामिन किया तो लॉन्गिट्यूडनल स्टडी कंडक्ट कराया फिर आप बताएंगे कि गिफ्टेडनेस और टैलेंट ये जो दो वर्ड्स हम लोग इंटरचेंजेबली यूज करते हैं वो एक्चुअली में इंटरचेंजेबली यूज नहीं करना चाहिए वो डिफरेंट वर्ड्स है गिफ्टेडनेस का क्या मतलब होता है गिफ्टेडनेस मतलब जनरल एबिलिटी Sort of like जहा पे वो कहते हैं कि जनरल स्पेसिफिक चीजों के बारे में ये लड़की जो है ये बॉक्सिंग में टैलेंटेड है तो एक पर्टिकुलर चीज है जिसमें वो टैलेंटेड है एंड इसके साथ यहाँ पे आपका क्वेश्चन जब हमने देखा था तो हमने देखा था हाउ केन यू बी आईडेंटिफाई तो ये क्वेश्चन आप डरिएगा मत अगर आपने कहा ये तो कहीं लिखा नहीं था ये हम लिखेंगे कि जो टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको याद है जो पॉइंटर्स लिखे थे जहां पे वो कह रहे थे कि दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स वो हम लिखेंगे इन द सेक्शन ऑफ हाउ इट कैन बी आइडेंटिफाइड तो कभी कभी हो सकता है आपको डायरेक्टली ना पूछे कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर सिनियो आपसे पूछ सकते हो उसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे तो आप याद रखिएगा आइडेंटिफाई कैसे करोगे का मतलब है कि कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ तो आप बताएंगे कि ये हाई ऑनबिलिटी होते हैं क्रिएटिविटी में हाई होते हैं

जो स्टूडेंट uh, होते हैं हमको लगता है कि इंटेलेक्चुअल डिफिशियंसी वाले स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए होती है इन एकेडमिक्स बट इनको भी चाहिए होती है बिकॉज इनको ज्यादा जल्दी जल्दी चीजें समझ में आती है सो टू मेक श्योर कि ये अपना मोटिवेशन ना खो वी हैव टू मेक श्योर कि हम उन्हें कॉन्स्टेंटली चैलेंज कर सकते एन एन आप यहाँ पे लिख सकते हो एजुकेशनल प्रोग्राम के बारे में ठीक है थेके? तो बेसिकली डेफिनेशन लोई टर्म एन गिफ्टेडनेस वर्सेज टैलेंट टीचर्स का पॉइंट ऑफ व्यू सम बेसिक पॉइंट्स

इंडिविजुअल में आपको ओरली अलाउ होता है रिटर्न फॉर्मेट में भी होता है क्योंकि काफी टाइम होता है ग्रुप टेस्ट में बिकॉज काफी कम टाइम होता है हमारे पास और बहुत सारे लोग होते हैं तो एमसीक्यूज होते हैं जिससे हम लोग उसको क्वॉंटिफाई कर सके तो ये तीन बेसिक डिस्टिंक्शन आ जाते हैं ठीक है थीके? अब आपका यहाँ पे आप देखेंगे कि जो टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट है इसमें तीन फर्दर कैटेगराइजेशन है तो अगर ये क्वेश्चन छह आता है तो वेल एंड गुड आप काफी लिख सकते हैं बट अगर ये चार मार्क में भी आता है तो भी आप ये कैटेगराइजेशन मेंशन कर लेंगे सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल ग्रुप टेस्ट ये तीन आपके डिफरेंसेज यहाँ पेमर्ज करके आते हैं नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ वर्बल नॉन वर्बल और परफॉर्मेंस इसको बस डिफाइन कर दीजिएगा वर्बल क्या होता है वर्बल रिस्पॉन्सेज चाहिए होते हैं या तो ओरली बोलो या तो आप इसको रिटर्न में रखो एंड बिकॉज ये वर्बल है लिटरेसी इज इंपॉर्टेंट

आप लिखोगे कि मोस्ट इंटेलिजेंस टेस्ट जो होते हैं वहां पे एक बायस देखने को मिलता है

आपके वन टू मार्कर में आने की जरूरत मतलब जरूरी आ सकता है ठीक है ऑल दो ये क्वेश्चन कभी नहीं आया हम इसको वही ऑल टुगेदर स्कीप नहीं करेंगे बिकॉज ये आपके दो मार्क में आ जाएगा तीन मार्क में आ जाएगा आपको एमसीक्यू टाइप में आ जाएगा आप सियोरिटी दोगे तो आपको बहुत भारी पड़ेगा अगर आप अभी से नहीं प्रिपेयर पैर रहोगे इसके लिए तो आपको ये पता होगा एक टेबल दी गई होगी उस टेबल को याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है बट उस हेडिंग के नीचे जो जो टॉपिक्स थे जो जो नाम थे वो आप जरूर नाम याद कर लेना और वो नाम एग्जैक्टली ये है एस मोहसिन जो थे जिन्होंने पायनियरिंग मतलब किया था इन मेकिंग द इंटेलिजेंस टेस्ट हिंदी में 1930s में सी एच राइस की बात करेंगे जिन्होंने उर्दू एंड पंजाबी में ट्राई किया था महारानो बिस्ट जी जो थे उन्होंने बंगाली में ट्राई किया था इसके साथ साथ आपके लॉन्ग एंड मेहता का हंड्रेड एंड थ्री टेस्ट के बारे में लिख लेना एंड एन एलिपी क्या है आपका लाइब्रेरी जो है एनसीआर वाली वो आप उसके बारे में मेंशन कर लेना। अब ये जो आपका टेबल है जिसकी मैं बात कर रही थी ये टेबल आपका सीयू के लिए ज़्यादा है इस पेपर के लिए उतना नहीं है, बहुत है, यहां से है, पर ये नाम जरूर याद कर लेना है का लाइब्रेरी जो है ये आपको जरूर आपके एकदम टिप्स पे होना चाहिए अगर आपसे पूछा जाए नेक्स्ट इज टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस एंड इंटीग्रल इंटेलिजेंस या फिर आपको पूछ सकते हैं एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन कल्चर एंड इंटेलिजेंस दोनों का आंसर सेम है क्योंकि कल्चर एंड इंटेलिजेंस जब आप समझाओगे तब तो आप टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस को एक्सप्लेन करोगे इंटीग्रल इंटेलिजेंस को एक्सप्लेन करोगे और इंटीग्रल इंटेलिजेंस और कल्चरल जो आपका टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस है आपको डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है तो कंफ्यूज नहीं होना इसमें ठीक है अगर आपको डिफ्रेंशिएशन पूछे टेक्नोलॉजिकल एंड इंटीग्रल का तो सर्टेन आस्पेक्ट्स है जो आप नहीं लिखोगे जैसे आप कल्चर की डेफिनेशन हटा सकते हो आप सीधा डिफरेंशिएशन लिख सकते हो पर कल्चर जब एंड इंटेलिजेंस जब हो तो कल्चर और इंटेलिजेंस दोनों की डेफिनेशन लिखो तो ऐसे सोच सोच के हमको अपना आंसर बनाना है सबसे पहले अगेन ऑब्वियसली कल्चर की डेफिनेशन लिखेंगे एक कलेक्टिव सिस्टम होता है कस्टम बिलीफ एटीट्यूड एंड अचीवमेंट का इन आर्ट एंड लिटरेचर हम यहाँ पे बताएंगे कि स्टर्नबर्ग का जो कंटेक्चुअल जो था आइडिया जो उन्होंने ट्रायर के थ्योरी में दिया था दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ की हाउ इंटेलिजेंस इज अ प्रोडक्ट ऑफ कल्चर फिर हम विगॉस की बात करेंगे वी विल मेंशन साइकोलॉजिस्ट इन्होंने काम किया था उन्होंने कहा था कि कल्चर एक सोशल कॉन्टेक्स्ट देता है हमको उसके बाद हम बात करेंगे कि उन्होंने कैसे बोला कि जो एलिमेंट्री फंक्शन होते हैं हंसना रोना गाना ठीक है ये सारी जो चीजें होती हैं दीज आर वेरी यूनिवर्सल यूनिवर्सली अक्वायर्ड होती है बट ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो बहुत स्पेसिफिक होती है कि आप किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हो किस तरीके से थिंकिंग करते हो वो आपका कल्चर डिटर्मिन करता है तो रोना एंड हंसना के यूनिवर्सल इमोशंस है ये एलिमेंट्री इमोशंस है बट आपके स्पेसिफिक इमोशंस जो आते हैं जो हायर ऑर्डर जिसमें इन्वॉल्व होता है वो आपके आ जाते हैं कल्चर स्पेसिफिक तो यहाँ पे सबसे पहले वो टेक्नोलॉजिकली एडवांस सोसाइटीज की बात करते हैं विच इज एग्जैक्टली योर टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस जिसमें हम कहेंगे कि इधर हम जनरलाइजेशन की बात करते हैं एब्स्ट्रैक्शन की बात करते हैं स्पीड आपका मिनिमल होना चाहिए आपका मिनिमल मूव्स होने चाहिए मिनिमल मूव्स मतलब ज्यादा वो नहीं करना होता है एकदम तो एफिशिएंटली काम करो मेंटल मैनिपुलेशन ज्यादा होनी चाहिए इसके साथ यू शुड बी वेल वर्स्ट इन द स्किल्स ऑफ अटेंशन ऑब्जर्वेशन एनालिसिस परफॉर्मेंस स्पीड अचीवमेंट ओरिएंटेशन फोकसड रहना ठीक है तो ये आपकी चीजें आ जाती है इन ए टेक्नोलॉजिकल वो तो यहाँ पे तो एक एक वर्ड में लिखा है आप चाहे तो इसको एक्सपैंड करके इसको समझा भी सकते हैं अब इंटीग्रल में क्या आ जाता है इंटीग्रल या फिर हमारा जो नॉन वेस्टर्न आइडियोलॉजी होता है इट फोकसेज मोर ऑन सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड कलेक्टिविस्टिक ओरिएंटेशन ये दो शब्द जरूर लिखिएगा लिखेगा काफी इंपॉर्टेंट है वो अपना सेल्फ रिफ्लेक्शन पे फोकस करते हैं वो फोकस करते हैं एक कलेक्टिविस्ट का ओरिएंटेशन रखना हम लोग सब साथ में चलेंगे तो वो वाली चीज आपकी थी, काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है नेक्स्ट इज द कॉम्पिटेंसी ऑफ इंडियन एंड इंटेलिजेंस इंडियन ट्रेडिशन विच इज एक्टली इंटीग्रल इंटेलिजेंस ये आपका कंटिन्यूएशन है अगर आपसे कल्चर के बारे में पूछो टेक्नोलॉजिकल वर्सेज उसमें तो आप ये भी लिखेंगे उसमें ठीक है सिर्फ और सिर्फ हमने जो यहाँ पे मैंशन करा है वो नहीं करेंगे इसके आगे भी पार्ट है विच इज योर इंडियन इंटेलिजेंस जो हम अभी यहाँ पे कवर करेंगे इंटीग्रल इंटेलिजेंस क्या होता है? है, है सब लोग इक्वल प्रोसेसेस इंटीग्रेशन में चलते हैं बुद्धि का एग्जांपल जेपी दास ने दिया था ठीक है और उन्होंने आप यहाँ पे लिख सकते हो उन्होंने बुद्धि को कैसे व्यू किया उन्होंने कहा कि एक अफेक्टिव कंपोनेंट होता है यहाँ पे अफेक्टिव इमोशनल और एक मोटिवेशनल कंपोनेंट होता है सिर्फ और सिर्फ एक कॉगनेटिव कंपोनेंट नहीं होता जैसे टेक्नोलॉजी कर में सिर्फ कॉग्नेशन पे फोकस होता है वेन थिंक ऑफ इंटेलिजेंस हम यहाँ पे इसको और डायमेंशन देते हैं ऑफ अफेक्टिव एंड मोटिवेशनल एंड यहाँ पे चार फैसेट्स होते हैं इंडियन ट्रेडिशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपसे Uh, एक दो मार्क में भी इधर उधर करके पूछ सकते हैं केस स्टडी में भी आपसे पूछ सकते हैं यू नो कि केस दे दिया और बोला कि uh, इधर कौन सा इंटेलिजेंस दिखाने को मिल रहा है तो यहाँ पे आप याद रखिएगा सबसे पहले कॉग्नेटिव कैपेसिटी यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग डिसीजन मेकिंग डिस्क्रिमिनेशन अंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन ये इसमें लिख देंगे सोशल कॉम्पिटेंसी अपने सोसाइटी को रिस्पेक्ट देना ठीक है कमिटमेंट टू एल्डर्स रिस्पेक्ट फॉर योर ऑर्डर कंसर्न अबाउट अदर्स इमोशनल कॉम्पिटेंसी क्या हो जाएगा ऑनेस्टी अपने इमोशंस को रेगुलेट करना अपने इमोशंस को कंट्रोल में अपने लाने देना गुड कंडक्ट रखना सेल्फ इवेल्युएशन करना ऑनट्रोप्रिनोरियल ियल ऐसी कौन कौन सी चीजें होती, होती है जो ऑनप्रनोर को चाहिए इंटीग्रल इंटेलिजेंस में आप ये सब यहाँ पे लिखेंगे. के बारे में पूछ सकते हैं एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस दस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस तो चलो ये तो चार्ल्स पियरमैन का आ गया एंड नेक्स्ट आपका आ जाता है वॉट इज आई क्यू एंड ई क्यू तो ये चार्ल्स पियोमैन वाला पॉइंट तो हमने पहले कर लिया साइकोमेट्रिक और सेकेंड पार्ट में इमोशनल इंटेलिजेंस पूछ रखा है 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 पे नेक्स्ट इज़ आपका क्या क्या होता है? क्या होता है? कौन होता ज़्यादा कौन सक्सेस तो वॉट डू तो ऐसे ऐसे करके आपको काफी क्वेश्चन फॉर्मुलेट कर सकते हैं यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जो क्वेश्चन है ये आप इनको काफी यू you नो know, uh, मतलब ढंग से देख देख के आप इसके साथ आगे बढ़ें बिकॉज इमोशनल इंटेलिजेंस जो है इस इसपे बहुत 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 बार क्वेश्चन आ चुके हैं एंड एंडफैक्ट आप लास्ट टेन ईयर्स में देखोगे फिफ्टी परसेंट ऑफ टाइम से ज्यादा इमोशनल इंटेलिजेंस पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में आप लिखेंगे सबसे पहले आप डिफाइन करेंगे सेट ऑफ स्किल्स विच अंडर आई एक्ट अप्रेजल एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ इमोशंस ये इंटेलिजेंस का फीलिंग वाला साइड होता है और आप एग्जाम्पल दे देंगे कि बहुत लोग होते हैं जिनका आई क्यू अच्छा होता है बट दे डोंट डू वेरी वेल इन लाइफ एंड अ लॉट ऑफ साइकोलॉजिस्ट से दिस इज बिकॉज उनका देख उतना अच्छा नहीं होता है फिर आप करेंगे कि इंट्रोड्यूस किसने किया था जॉन मेयर एंड सैल्व ने किया था एंड हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि उन्होंने उनका मतलब क्या था उससे उनका मतलब था कि अपने इमोशन को मॉनिटर करना बाकियों के इमोशन को मॉनिटर करना तो ये वाली डेफिनेशन भी डाल देंगे फिर ईक्यू के बारे में लिखेंगे हम कहेंगे जैसे आईक्यू इज इक्विवेलेंट फॉर इंटेलिजेंस वैसे ही ईक्यू क्यू आपका इमोशनल इंटेलिजेंस को आपका मेजर करता है, की एक और यहाँ पे लिख रखी है तो इमोशनल इंटेलिजेंस इज नॉट जस्ट अबाउट आर सेल्फ बट ऑल्सो अबाउट अदर पर्सन तो इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में आएगा तो सबसे पहले ये वाली डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है फीलिंग साइड है इंटेलिजेंस का एग्जाम्पल दे सकते हैं सैलोवे ने इंट्रोड्यूस किया था उनको क्या लगा इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है के बारे में लिखेंगे एक और ये अपने आप में अलग चार मार्ग में भी आ सकता है और ये इमोशनल इंटेलिजेंस के विदिन भी आ सकता है ठीक है चार ही पॉइंट्स है चारों पॉइंट को आपको याद करके जाना है सबसे पहले परसीव एंड सेंसिटिव टू वेरियस टाइप ऑफ इमोशंस इन अदर पर्सन ठीक है परसीव एंड सेंसिटिव टू अपने इमोशंस अपने इमोशंस के लिए भी परसीव करना दूसरों के इमोशंस को भी परसीव करना रिलेट योर इमोशंस टू योर थॉट्स यानी कि इमोशंस कुछ और कुछ और है, है सबको रिलेट करके आगे बढ़ो अंडरस्टैंड करो उसको अंडरस्टैंड करना द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर एंड द इंटेंसिटी ऑफ योर इमोशंस ठीक है इमोशंस का इंटेंसिटी क्या है वो इतना इमोशंस क्यों निकल के आ रहा है उसको समझना और कंट्रोल और रेगुलेट करना अपने इमोशंस को और उसके एक्सप्रेशन को ठीक है अपने बॉडी को सोचना बाहर के लोगों को सोचना उसके साथ साथ आपका जो इमोशंस है थॉट्स है उनको रिलेट करना इन्फ्लुएंस और इंटेंसिटी को समझना एंड उसके एक्सप्रेशन को समझना ये नहीं है कि आप अपने इमोशन को कंट्रोल में लाने दे रहे हो

और एक है आपका क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस के बीच के डिफरेंसेस बताने होंगे तो ये कैसे करेंगे क्रिएटिविटी मैनिफेस्टेशन ऑफ क्रिएटिविटी कैन बी ऑब्जर्व इन नोवेल सोल्यूशन कोई भी प्रॉब्लम आती है उसमें नए नए सोल्यूशन लाना है क्रिएटिविटी इट इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू सिलेक्टेड फ्यू बहुत फेमस लोग होते से वो नहीं क्रिएटिव होते ऑर्डिनरी लोग भी क्रिएटिव हो सकते हैं बट हमारा लेवल ऑफ क्रिएटिविटी जो है वो डिफर करता है एक दूसरे से फिर आप ये यह यहाँ पे ये यह भी लिख सकते कि अर्ली चाइल्डहुड में क्रिएटिविटी डेवलप होती है पहले नॉन वर्बल वे में यू you नो know, ऐसे थोड़ा बहुत ड्राॅइंग ड्रॉइंग करके वो दिखाते हैं बच्चे एंड थोड़ा बहुत अपने कार्टून वो क्ले से बनाते हैं एंड धीरे धीरे करके वो वर्बली भी एक्सप्रेस कर पाते हैं अपने क्रिएटिविटी फिर हम यहाँ पे मैंशन करेंगे कि क्रिएटिविटी जो होता है वो हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट

बट एट द सेम टाइम जो लोग होते हैं जिनका सर्टेन मतलब क्रिएटिविटी होती है उसके लिए एक सर्टेन लेवल ऑफ इंटेलिजेंस जरूरी भी होता है तो आप लिख सकते हो जैसे आइंस्टाइन है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वॉज वेरी क्रिएटिव बट उसके लिए ही हैड टू हैव सम लेवल ऑफ इंटेलिजेंस ठीक है तो दैट सम लेवल ऑफ इंटेलिजेंस वॉज मैथमेटिकल इंटेलिजेंस फिजिक्स का इंटेलिजेंस होना उनका तो वो जब तक नहीं था तो उनका क्रिएटिविटी नहीं आ पाया तो अगर आपके रिलेशनशिप के बीच में क्वेश्चन आएगा आप टर्म की स्टडी लिखेंगे इसकी ये फाइंडिंग्स लिखेंगे एंड आप लिखेंगे कि जरूरी होता है ओनली टिल एन सर्टन एक्सटेंट उसके आगे जरूरी नहीं होता ठीक है थोड़ी चीजों के लिए जरूरी होता है बियॉन्ड दैट क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस में ज्यादा कोरिलेशन नहीं देखने को मिलता ठीक है क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस टेस्ट के डिफरेंसेस अगर आपसे पूछे तो क्रिएटिव टेस्ट ओपन एंडेड होते हैं ओपन एंडेड मतलब मल्टीपल आंसर्स आ सकते हैं एंड आपके इंटेलिजेंस जैस क्लोज एंडेड होता है ठीक है छोटे छोटे आंसर एकदम एक ही आंसर आएगा आपका टू प्लस टू फोर होता है उसके आगे नहीं लिखना है ओपन एंडेड मतलब आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करना तो यहाँ पे डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है ठीक है आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग क्या होती है डाइवर्जेंट थिंकिंग और एक ही चीज पे आना क्या होता है कन्वर्जेंट डाइवर्ज और कन्वर्ज करना ठीक है तो डाइवर्जेंट इज क्रिएटिविटी एंड कन्वर्जेंट इज यिजेंस एंड क्रिएटिव टेस्ट में बहुत सारे स्टिमूलाई का यूज होता है यू you नो know, बहुत डिफरेंट डिफरेंट क्यू टेस्ट में आपका कम ही यूज होता है आई क्यू टेस्ट में सिम्बल्स वगैरह ऑब्वियसली मतलब मैथ्स भी पूछते हैं इंग्लिश भी पूछते वगैरह सब पूछता है बट क्रिएटिव टेस्ट में ज्यादा ऑप्शन होता है एंड देन उसके साथ आप यहाँ पे एक और चीज लिख सकते हो आप डिफरेंसेज में अगर आपसे पूछा जाए तो क्रिएटिव टेस्ट कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट uh, थे उनका नाम याद कर सकते हैं गिलफोर्ड टॉरेंस टोरेंसेनागन ठीक है so, सो इन लोगों ने क्रिएटिविटी टेस्ट बनाया एंड इंटेलिजेंस टेस्ट में आप जैसे बोल सकते हैं के का इंटेलिजेंस टेस्ट उन सब बारे में आप मेंशन कर सकते हैं so, सो ये आपके तीन चार मेजर पॉइंट हो जाते हैं ओपन एंडेड डाइवर्जेंट ये वर्जन uh, फिगर्स वाला पॉइंट एंड देन आपका साइकोलॉजिस्ट वाला पॉइंट तो so, ऐसे दो तीन मेजर पॉइंट इमर्ज करके आते हैं हमारे इस टॉपिक में एंड द लास्ट क्वेश्चन दैट वी आर डीलिंग विद इज एक्सप्लेन एप्टीट्यूड

और एक होता है आपका मल्टीपल एप्टीट्यूड ठीक है एक प्रॉपर बैटरी जैसे बनती है जैसे कि डिफरेंशियल डिफरेंशियल्टीट्यूड टेस्ट ठीक है प्रॉपरली मल्टीपल चीजों को एक ही एक आपका टेस्ट केटर जब करता है तो वो आपका मल्टीपल टेस्ट हो जाता है डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट जो है दैट इज द मोस्ट फेमस मल्टीपल टेस्ट एंड देन इसके आठ सब टेस्ट हैं ये अगर आप याद कर सके तो बहुत अच्छा हो जाएगा ये आपको पूछा जा सकता है तो आप इसको याद कर सकते हैं वर्बल रीजनिंग न्यूमेरिकल रीजनिंग एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग रीजनिंगल रीजनिंग आपके मैकेनिकल स्पेशल रिलेशन स्पेलिंग एंड लैंग्वेज यूजेज ये आपके आठ वो आ जाते हैं जे एम ओझा जो थे उन्होंने इसका इंडियन अडाप्टेशन बनाया था तो ये आपका डेफिनेशन ऑफ एप्टीट्यूड आ जाता है एंड इधर आपके डेफिनेशन ऑफ इंटरेस्ट इंटरेस्ट में कुछ नहीं है एक चीज पे ज्यादा टाइम स्पेंड करना रिलेटिव टू अदर दैट इज व्हाट इंटरेस्ट इज तो अगर ये क्वेश्चन आता है इंटरेस्ट के ऊपर तो आप एक दो लाइन में ही समझा सकते हैं एप्टीट्यूड का काफी कंटेंट है एंड ऑब्वियसली इंटेलिजेंस का तो पूरा चैप्टर ही है हमारे पास तो आप वैसे समझ के लिख सकते हैं इंटेलिजेंस को एक लाइन में कर सकते हैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दे सकते हैं आप एंड देन एप्टीट्यूड को एक्सप्लेन कर सकते हैं सो दिस इज इट फॉर टूडे इसके अलावा अगर आपको लगता है कि इस वीडियो के अलावा आपको और आंसर राइटिंग में हेल्प चाहिए ये तो आप इसके साथ आपका जो हमारा आंसर राइटिंग का कोर्स है आप उसको भी एक्सेस कर सकते हैं उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इस कोर्स के थ्रू आपको जो अंडरस्टैंडिंग होती है कि आंसर कैसे लिखना है एग्जैक्टली exactly, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग एनहांस हो जाएगी एंड आंसर जो लिखने का पार्ट होता है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन में बिकॉज आपका जो बोर्ड एग्जामिनेशन में आप अपने आप को एक्सप्रेस कैसे कर पाते हो उस बेसिस पे आपको मार्क्स मिलते हैं सो प्लीज डू चेकआउट दिस कोर्स एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प यू स्कोर बेटर इसके अलावा अगर आपको एनसीईआरटी में कोई भी आ, बाकी चैप्टर्स जो हैं उसके फसना पक्का है सीरीज देखनी है वो भी आप देख सकते हैं बाकी सब्जेक्ट्स की अपलोड हो चुकी है साइकोलॉजी की हम लोग फटाफट और फसना पक्का है सीरीज लाते रहेंगे इसके अलावा आपको बाकी साइकोलॉजी का प्लेलिस्ट भी दिख जाएगा उस प्लेलिस्ट से आप बाकी चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन वीडियो भी देख सकते हैं एंड दैट विल हेल्प यू अ लॉट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो एंड सी यू ओ नेक्स्ट